आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं जमालपुर नई सुरंग का अपडेट। दरअसल जमालपुर नई सुरंग का काम कंप्लीट हो चुका है, बल्कि कंप्लीट ही नहीं, इस रास्ते से ट्रेन भी चलना शुरू कर दी गई है। लेकिन यह अपडेट हम आपके रिक्वेस्ट पर ही लाए हैं। लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप हमें ताज़ा हालात और ताज़ा स्टेटस की जानकारी दें, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए पेश है। इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे, साथ ही मालदा डिवीजन से आने वाली हर भरी खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। सामने आप नई सुरंग को देख पा रहे होंगे, जो कि पुराने सुरंग से ज़्यादा सुंदर और बेहतरीन है। हम फिलहाल अभी जमालपुर नई सुरंग को जाने वाले लाइन पर चल रहे हैं। पहली बार हमारा चैनल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, यानी खुद पैदल चल के आपके लिए इस पार से उस पार तक का अपडेट लेकर के आ चुका है। आज न केवल इस वीडियो अपडेट में आप जमालपुर नई सुरंग को देखेंगे, बल्कि इस रास्ते से किस तरह ट्रेन गुजरती है उसका भी आप स्पीड ट्रायल देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस टनल पर हमारा दूसरा पार्ट इसके बाद जल्द आने वाला है। दूसरा पार्ट को अवश्य देखिएगा, हम इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में डाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको बता दें कि पूर्व रेलवे के मालदा रेल डिवीज़न के अंतर्गत जमालपुर से रतनपुर के बीच नई सुरंग का काम बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है, जो कि आपके वीडियो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। सामने ज़बरदस्त पेंटिंग के साथ साथ दोनों ही बाउंड्री को पेंट किया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र ही नहीं बल्कि लोगों को घूमने के लिए एक पार्क जैसी सुविधा यहां पर देखने को मिल रही है। यही सब पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, बल्कि इसी तरफ नहीं, उस तरफ भी पेंटिंग का बखूबी काम किया गया है। और ये देखिए, ये भी पेंटिंग है जमालपुर नई सुरंग का, यानी कि जमालपुर नई सुरंग का पेंटिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको वो सारी नई तस्वीरें देखने को मिल रही होगी। और हम उस तरफ भी चलेंगे और उस तरफ जाके भी आपको दिखाएंगे कि उस तरफ क्या चीज़ का पेंटिंग किया गया। हालांकि पिछले अपडेट में हमने आपको उस तरफ दिखाया था कि आखिर उस तरफ कौन सा प्रोजेक्ट का पेंटिंग किया हुआ था। याद होगा तो ठीक है, और नहीं याद होगा तो कोशिश करेंगे आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। हम आ चुके हैं टनल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग की ज़बरदस्त चमक को। नई सुरंग में आपका भी स्वागत है, और हमारा टीम मेंबर नई सुरंग में प्रवेश कर चुका है। नई सुरंग बिल्कुल पुराने सुरंग से बेहतरीन है और यहाँ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि लाइटिंग की व्यवस्था पुराने सुरंग में भी थी, लेकिन वह सुरंग इतना पुराना हो चुका था कि लाइटिंग की व्यवस्था वहाँ पर नील हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैदल यात्रियों के लिए अलग से फुटपाथ बनाया गया है, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और हम आपको बता देंगे कि इस तरफ से हम उस तरफ भी निकलेंगे और नई सुरंग का पूरा अपडेट आपको आज देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम फुटपाथ पर चल रहे हैं और इस पार से उस पार निकलेंगे। और आपको बता दें कि पुराने सुरंग का निर्माण कार्य 1861 में हुआ था, जहां की करीब करीब 5 साल में पुराने सुरंग का काम कंप्लीट हो गया था। वहीं नई सुरंग की बात करें तो 2019 में यह काम चालू हुआ था और 2020 में इसे पूरा कर लिया गया। जनवरी में इसका सफल ट्रायल के साथ साथ इसका उद्घाटन भी हो चुका है। नई सुरंग की लंबाई 341 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। नई सुरंग की ऊंचाई लगभग 6 मीटर है और नई सुरंग से 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन संभव हो सका है। यहाँ पर आप साइन इंडिकेशन को भी देख सकते हैं, जो कि बताता है कि यह पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए है। इस अपडेट के अलावा हम नेक्स्ट वीडियो जल्द लाने वाले हैं। यह अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब।